प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज हुआ सीमा प्रसारण। प्रधानमंत्री ने प्रसारण में खेल से जुड़ने के लिए युवाओं का आह्वान किया। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के मन की बात लोगों ने टीवी पर देखी और सुनी। बुलंदशहर के ग्रामीण अंचल के अलावा व्यापारियों, प्रबुद्ध जनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बातों को सुना और उनसे प्रेरित हुए। बुलंदशहर के अलग अलग कस्बों में आज समाजवादी पार्टी की अल्पसंख्यक बैठक का हुआ आयोजन। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जमीनी स्तर से कार्य कर रही समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की नेता कर रहे अपील। बुलंदशहर के खुर्जा, शिकारपुर, पहासू, जहांगीराबाद समेत अलग अलग कस्बों में सपाइयों ने आयोजित की अल्पसंख्यक की समीक्षा बैठक। महिला के चारपाई से हाथ पैर बांधकर मारपीट का वीडियो वायरल। बुलंदशहर अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव असरौली का है मानवता को शर्मसार कर देने वाला वायरल वीडियो। ग्रामीणों ने महिला से अमानवीयता की सारी हदें पार किए जाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। वायरल वीडियो में महिला को चारपाई से बांधकर खेत में फेंकते दिख रहे कुछ लोग। थाना पुलिस का दावा, मानसिक तनाव में बताई जा रही वीडियो में दिखने वाली महिला। पीड़ित महिला ने मायके पक्ष के साथ थाने में पहुंचकर आरोपी समेत नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने वायरल वीडियो और महिला की शिकायत के आधार पर दो आरोपियों को हिरासत में लिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने एकत्र होकर की बैठक। 2 अक्टूबर को निकाली जाने वाली अधिकार यात्रा को लेकर बनाई गई रणनीति। बुलंदशहर से लखनऊ तक हर जिले में होगा पड़ाव। सावित्री चौधरी के अनुसार महिलाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 2 अक्टूबर 1975 से आंगनवाड़ियों की योजना शुरू की गई थी, लेकिन आंगनवाड़ी की इस योजना को 46 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उसके बाद भी आंगनवाड़ियों की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जिला और ब्लॉक कमेटी की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने आज दोपहर 12 बजे बुलंदशहर मलका पार्क में अधिकार यात्रा को लेकर बनाई रणनीति। जनपद बुलंदशहर के डिवाई से मन विचलित करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए लाया गया शव बरसात होने के कारण प्लास्टिक की तिरपाल से ढक दिया गया। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंत्येष्टि स्थल न होने से अक्सर बरसात के कारण अंतिम संस्कार में कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार इसकी शिकायत शासन प्रशासन से की गई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। शमशान घाट पर लाइट और अंत्येष्टि स्थल न होने से अंतिम संस्कार में कई तरह की दिक्कतें होती हैं। तस्वीरें देखकर ये साफ होता है कि यहाँ इंसानों को छोड़िए, सरकार मुर्दा लोगों को भी अंतिम संस्कार के लिए सुविधाएं मुहैया नहीं कराती। मन को विचलित करने वाली ये तस्वीर बुलंदशहर की डिवाई तहसील के गांव कर्णवास की है। न्यूज डेस्क, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।